हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग प्लानिंग के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन टुडेज सेशन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डोनम, गुड इवनिंग समीना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ग्लोबलाइजेशन करेंगे एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन द टेलीग्राम चैनल, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड लेट्स कंग्रेचुलेट ऑल द लर्नर्स हु हैव क्रैक्ड यूपीएससी फ्रॉम द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। एंड वी हैव 170 प्लस लर्नर्स जिन्होंने यूपीएससी सेलेक्ट हुआ है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने बेनिफिट किया है। सो वी हैव 170 प्लस एज आई मेंशन हैव क्रैक्ड यूपीएससी। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द लास्ट टू क्लासेस। इन द फर्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लानिंग, हमने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एंड इन दिस प्लानिंग कॉन्सेप्ट वी डिस्कस हाउ इंडिया अडॉप्टेड फाइव ईयर प्लान। फाइव ईयर प्लान हमने अडॉप्ट किया था एंड यू कैन सी हियर इंडिया वॉज एबल 1950 टू 1990 तक हमने फाइव ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था एंड यू कैन सी हियर इंडिया attained average growth rate of 4%। और ये जो पूरा प्लान था, the first five year plan, second five year plan, third till seventh plan, that was mainly based on PC Mahalanobis model। आप देखो इसमें second plan, third plan and fourth plan, यहां हमारा target derail हो गया था, it derail। Okay, good evening, good evening everybody। Okay, good evening Purnima, good evening WSCS, Shreya, Sanchita, Hasan, Neha, मनीषा, कैसे हैं बेटा? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल राइट? चलिए, गुड गुड। सो यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान में हमने अपना टारगेट को अचीव नहीं किया था एंड इन द फर्स्ट 40 इयर्स इंडिया अडॉप्टेड फाइव ईयर प्लान विद सोशलिस्ट मॉडल। फिर हमने एट्थ प्लान में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, एलपीजी रिफॉर्म, एंड हियर दिस इज फ्रॉम 1991 टिल यू कैन से 2021। और यहां पर यू कैन सी इंडिया वॉज एबल टू डबल द ग्रोथ। हमारा ग्रोथ रेट जो 4% था इन द प्रीवियस 4 डेकेड्स, उसको हमने 7% कर लिया एंड इंडिया वॉज एबल टू अटेन हाई ग्रोथ रेट। आप देखो यहां पे ग्रोथ रेट हमारा रिलेटिवली काफी बेटर था एंड दिस वॉज अ प्लान विच मेनली फोकस्ड थ्रू एलपीजी रिफॉर्म। तो आज हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट हाउ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया केम। जो भारत में ग्लोबलाइजेशन आया, हाउ इट ऑल हैपेंड, सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो क्लियर नहीं हसन बेटा, यू नो आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी। चलिए, सो एलपीजी व्हाट इज एन अप्रेजल, इफ आई हैव टू डिवाइड पूरे एलपीजी को हम अप्रेज करते हैं, सो आई कैन डिवाइड इंडियाज ग्रोथ रेट इनटू टू फेजेस, फ्रॉम 1951 टिल 1991 एंड फ्रॉम 1991 टिल 2021। एंड हियर इंडिया अटेंड अ ग्रोथ रेट ऑफ 4%, ठीक है। वी फॉलोड सोशलिस्ट पैटर्न, मिक्स्ड इकॉनमी था बट सोशलिस्ट पैटर्न। फ्रॉम 1991 वी अटेंड अ ग्रोथ रेट ऑफ एवरेज अराउंड 7% एंड हियर वी ब्रॉट रिफॉर्म्स, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। हियर अगेन द इकॉनमी वॉज क्लोज्ड, यहां पे इकॉनमी को आपने ओपन कर दिया, ओपन इकॉनमी थ्रू एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, राइट, दीज वर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और आपने क्या किया, यू ब्रॉट फ्रॉम सोशलिस्ट पैटर्न टू कैपिटलिस्ट पैटर्न। नाउ रिमेंबर, अगर कोई आपसे पूछता है दैट इंडिया स्टिल इज अ मिक्स्ड इकॉनमी, यस इंडिया इज स्टिल अ मिक्स्ड इकॉनमी बट वी आर फॉलोइंग कैपिटलिस्ट पैटर्न। अभी हमारा कैपिटलिस्ट पैटर्न हो गया है, गवर्नमेंट इज देयर एंड प्राइवेट इज ऑल्सो देयर बट मेजोरिटी इज प्राइवेट, अर्लियर मेजोरिटी वॉज गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लेड था एंड दिस इज प्राइवेट लेड, ठीक है। ग्रोथ रेट 4%, ग्रोथ रेट 7%, विच मीन्स द रिफॉर्म, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड को अगर हम देखते हैं तो इंडिया हैज डन वेरी वेल इन द ग्लोबलाइजेशन फेज। इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है, प्लानिंग का जो बेनिफिट देखने को मिला है, इंडिया हैज अटेंड, you know, has been able to reduce poverty by half, हमने पॉवर्टी को हाफ किया है, हमने और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखे हैं, जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, एमएनसी, स्टॉक मार्केट फॉर्मेशन या ग्रोथ, ये सारा बेनिफिट इन द लास्ट 4 डेकेड्स देखने को मिला है,
ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर है आई होप। सो एलपीजी इज अ रिफॉर्म विच हैपेंड इन 1991, और ये जो रिफॉर्म हुआ था उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, एंड इफ यू रिमेंबर फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड 1980s, आपको 1980s समझना होगा। 1980s वॉज गुड फॉर इकॉनमी फ्रॉम ग्रोथ परस्पेक्टिव, बट यहां पे इनएफिशियंट मैनेजमेंट था इकॉनमी का। ओके, योर एक्सपेंडिचर ऊपर चला गया, एक्सपेंडिचर वेंट अप, वेलफेयर बजट वेंट अप, और फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट का बोरिंग्स भी बढ़ गया। गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करती है मार्केट से या फॉरेन नेशन से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, बोरिंग ऑल्सो वेंट अप एंड दैट इंक्रीज डेट, डेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा। इन पैरेलल आर एक्सपोर्ट अंडर परफॉर्म्ड, एक्सपोर्ट्स अंडर परफॉर्म्ड, ठीक है। और यहां पे हमने क्या देखा, दैट इंडिया हैड लो फॉरेक्स, और इवेंचुअली इंडिया फेस अ प्रॉब्लम कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया फेस चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑल दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, नाउ गाइस जस्ट टेल मी, कोई डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है? जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, इज देयर एनी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, इज देयर एनी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस? अमीर यू बेटा, जस्ट गो एंड आप मेरा नाम डालिए अनअकैडमी प्रमोद सिंह, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे, यू विल गेट द एंटायर प्लेलिस्ट। आई हैव टेकन मोर देन 60 लेक्चर्स। ओके, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है राइट, एक्चुअली देयर इज अ दिवाली फीवर गोइंग ऑन, सो समबडी इज यू नो विद अ ड्रम, दे आर ड्रमिंग आउटसाइड, सो देयर इज सम डिस्टर्बेंस इज देयर। गुड इवनिंग अनिंदा, हेलो, हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू? चलो, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एलपीजी में आपने क्या देखा, हमारा 1980s वॉज नॉट अ गुड फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज वेयर इंडिया वेंट अंडर प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन बोरोइंग, बढ़ा हमारा, हमारा स्पेंडिंग बढ़ा, वेलफेयर बजट बढ़ा, इनकम फ्रॉम पीएसयू ऑल्सो केम डाउन, एंड दैट इज वेयर इंडिया फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक, ओके, एंड आईएमएफ, एंड इंडिया गॉट 7 बिलियन एज लोन। ये 1989-90 का चैलेंजेस है, इंडिया वॉज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड टिल 1991 इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। ऐसा लगा इंडिया डिफॉल्ट कर देगा, किस पे डिफॉल्ट करेगा, अपने डेट पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करेगा, इंडिया माइट डिफॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पेमेंट। इंपोर्ट कवर हमारा नहीं था, व्हाट इज इंपोर्ट कवर, द फॉरेक्स्ट को जो पैसा होता है उससे आप इंपोर्ट के बिल्स पे करते हो, इंपोर्ट कवर वॉज जस्ट फॉर 14 डेज। सो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे, बट ऑन सम कंडीशन, दे सेड यू हैव टू रिफॉर्म द इकॉनमी, एंड दीज रिफॉर्म्स वुड बी इन द ट्रैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इकॉनमी में करना होगा, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज टू इंश्योर दैट इंडिया इज एबल टू ग्रो इनटू हाई ग्रोथ इकॉनमी। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव था दैट वी शुड ओपन द इकॉनमी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन नेशंस, एवरीबडी वॉज लुकिंग एट इंडियाज मार्केट, इंडिया का एक ह्यूज मार्केट था, एंड दे सेड दैट ओनली वे टू डेवलप इंडिया इज टू अडॉप्ट मार्केट लेड अप्रोच, यानी आप मार्केट लेड या कैपिटल सिस्टम को अडॉप्ट करो। ओके, चलो गुड, सो दैट इज हाउ एलपीजी मूवमेंट हैपेंड एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वी ओपन द इकॉनमी, तो हमने ओपन इकॉनमी मॉडल को फॉलो किया। अच्छा एवरीबडी प्लीज नोट इट डाउन, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यू कैन डाउनलोड द नोट्स, क्लास के बाद आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दिस, ऑल द फ्यूचर क्लासेस भी आपको यहां नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनवील्ड इन 1991 under two broad groups, एक था आपका stabilization measure, दूसरा था structural reform. Now what a stabilization measure? Stabilization measure was to stabilize the problems that India is facing. तो 1989 से लेकर 91 का जो problem था, inflation management, forex management, ये सारा हमको करना पड़ा stabilization measure में, and
तो स्टेबलाइजेशन वॉज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. आपको रिफॉर्म्स लाने थे एंड द रिफॉर्म वॉज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ओपन द इकोनॉमी एंड अडॉप्ट न्यू मार्केट पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. और यहां हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया. तो लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज. सो दीज थ्री मॉडल एल पी एंड जी. सो दैट इज वॉट हैपेंड इन 1991. सो स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म मेजर टू इनकरेक्ट द करेंट वीकनेस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हुआ. एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म सो दैट इंडिया इज एबल टू कॉम्पीट विद द वर्ल्ड. एट द सेम टाइम वी आर एबल टू डेवलप आर कॉम्पिटेटिवनेस बाई अलाउिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. हमको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है एंड वी हैव टू ब्रिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. वी हैव टू अडॉप्ट मार्केट लेड अप्रोच. हमको कॉम्पिटिशन लेके आना है, हमको एमएनसीज को लेके आना है. वी वॉन्ट टू रिड्यूस इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल कम करेंगे. सो ऑल दोज थिंग्स वर कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच हैपेंड एंड विल डिस्कस द रिफॉर्म इन जनरल. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेशन एंड डिप्रेशन? आकाश बोल रहे हैं. आकाश बेटा, रिसेशन इज अ स्लो डाउन इन द इकॉनमी, नेगेटिव ग्रोथ इन द इकॉनमी. अगर सिक्स मंथ तक अगर इकॉनमी नेगेटिव ग्रो करती है, इट इज रिसेशन. एंड इफ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग, अगर ये लॉन्ग तक कंटिन्यू होता है, तो ये डिप्रेशन होता है. इकॉनमी डिप्रेशन में चली जाती है. टेक्निकल कोई डेफिनेशन नहीं है, बट डिप्रेशन मीन्स -10% नेगेटिव ग्रोथ जब होता है, तो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है ना. इन द हिस्ट्री ऑफ यू नो इकॉनमी वी जस्ट हैड वन डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ था. ओके, नो इश्यूज आकाश, नो इश्यूज. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनवील्ड एंड वी हैड राव मनमोहन रिफॉर्म बोलते हैं. सो मनमोहन सिंह वॉज यू नो बेसिकली इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रैट एंड ही वॉज टेकन बाई पीवी नरसिम्हा राव. पीवी नरसिम्हा राव 1991 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने एंड ही सेड दैट लेट्स रिफॉर्म द इकॉनमी एंड ही गेव अथॉरिटी टू मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर टू रिवैम्प द इकॉनमी. हमने इकॉनमी को रिफॉर्म करना है एंड दैट इज वॉट हैपेंड इन 1991. तो मनमोहन सिंह सेड दैट वी हैव टू रिफॉर्म द इकॉनमी एंड वी हैव टू अडॉप्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है. तो इस तरह से हमने 1990s में ये प्रोसेस को स्टार्ट किया. एलपीजी रिफॉर्म्स के तीन पिलर्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. And the objective is to boost competition, unlock economic potential, allow private sector to grow, and reduce the role of public sector. Yani, if I have to do, there were two parallel things happened. Ek to rollback of state, matlab reduce the role of PSU. यानी इकॉनमी को डेवलप करना है तो पीएसयू डेवलप नहीं करेगा, बिकॉज पीएसयू वर अंडर परफॉर्मिंग, दे वर इन लॉसेस. एंड द फोकस वाज टू आल्सो वन मोर थिंग, आपको एक और काम करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इनकरेज प्राइवेट प्लेयर. गवर्नमेंट विल बी फैसिलिटेटर, ओके, इंड्यूस कॉम्पिटिशन, basically that was the objective. Okay, yahan tak clear hai guys? I hope this is clear to everybody. Meri awaaz samajh mein aa rahi hai everybody? So the idea was to bring competition. So liberalization means you are making rules liberal for economy. Aap liberal rules ban rahe ho, you are allowing economy to grow. Aap economy ko grow karana chahte ho and you also want that there should be reduce the rigidity. Economy mein jo rigidities hain, रिजिडिटीज क्या क्या है? लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज, कोटा राज, इन सबको डिसमेंटल करना है. लेट्स डिसमेंटल, मेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक बिजनेस ग्रो प्रॉपरली, ब्रिंग कॉम्पिटिशन, ब्रिंग इनोवेशन, ब्रिंग एफिशिएंसी, इंश्योर जॉब क्रिएशन हैपन्स. और ये सारा कैसे होगा? व्हेन यू आर लिबरल. तो ये हमने बेसिकली मार्केट लेड रिफॉर्म्स जो है हमने अडॉप्ट किया, ठीक है ना.
So market led reforms were adopted. चलिए, तो आई होप दिस गिव्स यू बेसिक आइडिया व्हाई डिड हैपन. नाउ रिमेंबर देयर वर डोमेस्टिक फैक्टर्स. लिबरलाइजेशन के पीछे दो फैक्टर थे, एक तो डोमेस्टिक फैक्टर था, बट देयर वर एक्सटर्नल फैक्टर ऑल्सो. हम लोग सोवियत रशिया का मॉडल फॉलो कर रहे थे, बट सोवियत मॉडल कोलैप्स्ड इन 80s, लेट 80s 90s में सोवियत रशियन मॉडल ऑल्सो कोलैप्स्ड. तो हम जिस मॉडल को फॉलो कर रहे थे दैट मॉडल इटसेल्फ कोलैप्स्ड. सो देयर वाज अ बिलीव मे बी दैट अब ये मॉडल चल नहीं पाएगा, एंड दैट इज वेयर रिफॉर्म हैपेंड. बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट नेहरूवियन लेगेसी को हटा के मार्केट लेड अप्रोच को अडॉप्ट कर रहा था, एंड बिलीव मी इट वॉज नॉट ईजी. ओके, private partnership came in structural development. Yes, private partnership is a innovation, Manisha. Private partnership ek naya innovation hai, jahan par aaj hum ye kehte hain development will ensure that public and private should come together. Public wahan rahega jahan government ko welfare karna hai, private wahan rahega jahan efficiency leke aana hai. Public private will come together where both efficiency and services included. A very good example is road acha kaun banayega? Private banayega. Maintain kaun karega? प्राइवेट करेगा. लेकिन ओनरशिप किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ न्यू इनोवेशन. पीपीपी मॉडल इज अ न्यू इनोवेशन. ओके बेटा मनीषा, चलो. सो रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन. फर्स्ट वाज लिबरलाइजेशन. यू आर ब्रिंगिंग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एनआईपी 1991 में आप लेके आए. डिस इन्वेस्टमेंट. प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, यानी रिड्यूस पीएसयूज रोल and encourage private private you know sector. And globalization mein you integrate India's economy with world economy. Aap Indian economy ko world economy se integrate karoge through export import of goods, through international finance, through migration, ye sara. To LPG jab liberalization aur privatization karoge to LPG globalization automatically follow hoga. To basically the idea behind globalization is integration of India's economy with world economy. Integration of India's economy. ठीक है, अभी हमारा इकोनॉमी कैसा हो गया? अभी हमारा इकोनॉमी कपल्ड हो गया है. वर्ल्ड इकोनॉमी इज लिंक्ड विद इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी इज लिंक्ड विद वर्ल्ड इकोनॉमी. सो देयर आर गुड थिंग्स एंड देयर आर बैड थिंग्स एज वेल. अभी वर्ल्ड में कुछ होगा तो इंडिया को इंपैक्ट करेगा. वर्ल्ड में कुछ अच्छा होगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, सो इंडिया विल बी इंपैक्टेड. इफ देयर आर सम चैलेंजेस, जैसे ग्लोबल क्राइसिस होता है, तो हमारे पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. सो बेसिकली वी वर एबल टू कपल आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, सो दैट वी आर एबल टू एक्सप्लॉइट द बेनिफिट्स ऑफ एलपीजी. और एलपीजी का एक बेसिक फिलॉसफी है दैट मार्केट को हमको बूस्ट करना है, मार्केट लेड डेवलपमेंट करना है, एंड लेट्स मेक होल वर्ल्ड एज वन बिग प्लेस फॉर ट्रेड, बिजनेस, इनोवेशन, माइग्रेशन, इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, एवरीथिंग. ओके, तो हमको करना है, हमको मार्केट को ओपन करना है फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग दैट इंडिया शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड. एट द सेम टाइम इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो सारे कंट्रीज को मिले, एंड वी शुड टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो एलपीजी मॉडल में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था, फर्स्ट लिबरलाइजेशन में हमने रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. सो देयर वाज अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो लाइसेंसिंग है अब वो लाइसेंसिंग का प्रोसेस वो इजी होगा, इजी फॉर प्राइवेट एज वेल एज एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, सबको एंट्री अलाउ कर देंगे. गवर्नमेंट अबॉलिस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी लाइसेंस राज या कोटा राज को हमने हटा दिया, एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक. गवर्नमेंट विल कंट्रोल द स्ट्रेटेजिक एरियाज और हजार्डस एरिया, जैसे केमिकल हो गया, लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गया, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगा. बट ब्रॉडली इन अदर एरियाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हम हटा देंगे, एंड दिस हैपेंड अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एनआईपी 1991. अब देखो, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में था और दूसरा था 1991 में था. एनआईपी 1991, एनआईपी 1990, सॉरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 और 1991, ये दोनों यू टर्न थे. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 इनकरेज्ड पब्लिक सेक्टर, और यहां पे हम वी आर इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर. ओके, यहां तक क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. कैन आई सी अ थम्स अप फ्रॉम एवरीबॉडी? आर वी ऑन ट्रैक? सबको समझ में आ रहा है बेटा? किसी को डाउट होगा प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन एंड आस्क द क्वेश्चन. देखो, इकोनॉमी इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, और मैं आपको बता रहा हूं एक कहानी की तरह. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक अ स्टोरी सो दैट यू कैन फिट योर अंडरस्टैंडिंग.
यूपीएससी में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, दे कम ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा नहीं आते हैं. ओके चलो, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी. देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी रोल बैक ऑफ स्टेट. ठीक है, यानी आपने पीएसयू को डिस इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. एवरीबॉडी नोट द टेलीग्राम चैनल, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, देर आर ओनली थ्री एरियाज वेयर यू नो गवर्नमेंट कैन ओनली हैव द मोनोपोली, रेलवेज, एटॉमिक एंड डिफेंस. अभी रेलवे में भी गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करना चाहती है. सो व्हाट वी सी दैट पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, ऑलमोस्ट 300 प्लस हमारे जो पीएसयूज थे, टुडे इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड दे विल कम डाउन. बिकॉज पीएसयूज, इधर आप पीएसयू को कहो कि पीएसयू शुड परफॉर्म लाइक प्राइवेट सेक्टर, दे शुड कॉम्पीट, इनोवेट, और यू सेल देम. द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू बी बिजनेस. आप गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है, और हम पब्लिक सेक्टर का रोल हम कम करेंगे. देन डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, अभी हमारे यहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज थे, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था, अभी उसको डी रिजर्व कर दिया. पहले सिर्फ बड़े छोटे प्लेयर ही ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते थे, बट टूडे इट इज अलाउड, अभी कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है. ऑल्सो इंप्रूव लैंड एफिशियंसी, अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इनटू फार्मिंग, इंक्रीज प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव था. यानी हमने एक और ऑब्जेक्टिव किया, फार्म रिफॉर्म्स. बट एक प्रॉब्लम था, फार्म रिफॉर्म्स कंप्लीट नहीं था 90s में, एंड दैट इज वेयर द थ्री न्यू फार्म लॉज, जो नए तीन फार्म लॉज हैं, दे विल कंप्लीट और विल दे विल मेक एग्रीकल्चर सेक्टर मोर लिबरल. यानी जो करंट जो तीन लॉ है, फार्मिंग लॉज है, दे वॉन्ट टू गिव आजादी टू द मार्केट, एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, चलो गुड वन. कुछ पता ही नहीं चलता, क्या पता नहीं चलता बेटा. हाय डेरिल, उमर, उमर कह रहे हैं सर प्राइवेट सेक्टर इज इंपॉर्टेंट टू बूस्ट द इकॉनमी. यस उमर, यू आर राइट. इट इज बिलीव्ड उमर दैट प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस जॉब्स. ठीक है ना, चलो नाइस. देन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोड्यूसर्स आर वॉलंटरी अलाउड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्केट. यानी आप मार्केट प्रोडक्शन जो है मार्केट ड्रिवन होगा, यानी एवरीथिंग शुड बी ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई. लिबर्टी होगा टू प्लान प्रोडक्शन, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो अलाउड. अभी हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अलाउड है, रिसेंटली हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है. सो इन जनरल जो आपका लिमिट था, देयर वाज लिमिट, देयर वाज कोटा सिस्टम, देयर वर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, यानी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें भी लिमिट है, ऑल दीज वर डिसमेंटल्ड. ठीक है, सो दैट इज हाउ द थिंग्स ग्रू. आकाश बेटा, इकोनॉमी क्वेश्चंस यूपीएससी के निकलेंगे बेटा, आप मेरे क्लासेस रेगुलर करो, यू विल फील कॉन्फिडेंस. ठीक है, जो बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं 2-3 महीना से, उनके इकोनॉमी क्वेश्चन सारे निकलेंगे. ठीक है ना, देन रिड्यूस इंपोर्ट कंट्रोल, आप इंपोर्ट कंट्रोल को हटा दो. ठीक है ना, रिड्यूस इंपोर्ट कंट्रोल, अपग्रेड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज कल्टिवेशन इन द कंट्री, एट द सेम टाइम यू अलाउ प्राइवेटाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया, वी मेड रूल्स लिबरल फॉर एवरीबडी, प्राइवेट, एमएनसी, गवर्नमेंट अपने आप को अपना रोल कम करेगी. इन जनरल ऑल्सो विल अलाउ एंड अडॉप्ट द फिलॉसफी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट टू गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज. और इसका जो प्रोसेस था वो 1980s में स्टार्ट हो गया था थ्रू पीएसयू रिफॉर्म्स. तो आज हमारे पीएसयूज जो हैं, वो दो तरह के पीएसयूज हैं, द स्ट्रेटेजिक वन एंड अदर्स. अभी स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट रखना चाहती है, बट दे शुड ऑल्सो कॉम्पीट, एंड अदर्स को हम या तो सेल ऑफ कर देंगे और वी विल रिड्यूस गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट शेयर को रिड्यूस कर देंगे. देखो, इस तरह से हमने जो है चीजों को स्टार्ट किया. वी वॉन्टेड टू इंश्योर दैट प्राइवेटाइजेशन को हम पुश करें. नाउ क्वेश्चन कम्स, वाई प्राइवेटाइजेशन, एंड वी हैव गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल इज एयर इंडिया. एयर इंडिया कितना लॉस में है करंटली, एयर इंडिया हैज अ डेट ऑफ 60,000 करोड़. कितना डेट है एयर इंडिया का, एवरी डे एयर इंडिया वॉज लूजिंग 180 करोड़ रुपीज, हर डे पर डे 180 करोड़ एयर इंडिया लूज कर रही थी. इसी तरह से और भी कंपनीज
जो PSUs है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. वेरी गुड एग्जाम्पल इज BSNL. अभी गवर्नमेंट रिसेंटली BSNL में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट BSNL में आउटसोर्स कर रहा है. BSNL में आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको आउटसोर्स कर रहा है. BSNL में जो टावर्स हैं विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको आउटसोर्स कर रहा है बिकॉज दे आर नॉट इफिशियंटली मैनेज्ड. सो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन इज टू इंश्योर दैट एफिशिएंसी आए. सो यू ट्रांसफर द ओनरशिप टू प्राइवेट प्लेयर एंड यू डिसइन्वेस्ट, यानी रिड्यूस शेयर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है ना, इस तरह से हम लोग करेंगे. यस संतो, दीज आर रेगुलर फ्री क्लासेस. मनमोहन सिंह इज फादर ऑफ LPG. आई वुड से उमर, आई वुड से नॉट मनमोहन सिंह, आई वुड से द क्रेडिट शुड गो टू द लीडर. आई वुड से राव, पीवी नरसिम्हा राव इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. मनमोहन सिंह वॉज डेफिनेटली द प्लेयर, टीम, उनका टीम प्लेयर में सबसे बड़े प्लेयर थे. ही एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड. बट द गो अहेड, जो हरी झंडी दिखाई, वो किसने दिया? पीवी नरसिम्हा राव. ओके, चलो. यस, दीज आर रेगुलर फ्री क्लासेस बेटा. यू कैन कम संतोष एट 5 PM एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे. सो PSU रिफॉर्म्स में हमने जो परफॉर्मिंग PSUs थे, वी कैटेगराइज टू 3 categories, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना. और ये जो परफॉर्मिंग्स थे इनको कॉम्पीट करना होगा. यू कॉम्पीट और यू पेरिश. सो वी कैटेगराइज ऑल द परफॉर्मिंग PSUs दैट यू कैन कॉम्पीट, बट वी विल गिव यू ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. हम आपको ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, and you compete with all the other companies. Okay, so that is how it happened, the PSU reforms, the privatization happened. Samina puch rahi, sir, Air India ka itna debt kyun tha? Because Samina loss mein chal raha tha, inefficiently managed tha, you know, and bahut sare benefits milte the. So government, PSU, abhi revenue nahi bhi aa raha to bhi aap chala rahe ho. A private company to band ho jayega. Jet Airways band ho gaya, Kingfisher band ho gaya, but Air India band nahi hua. लॉस में भी फिर भी आप चला रहे हो. अभी क्या, अगर हर 4-5 years पे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा दे के लॉस को कम कर देती थी, बट इट वॉज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. ओके, सोशलिस्टिक अप्रोच भी था और दूसरा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था. अदर्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था, अन इकोनॉमिकल रूट पे रन कर रहे हो, इनोवेशन लाना पड़ेगा. वही इंडिगो है, वो लॉस में नहीं है. गो एयर तो लॉस में है, इंडिगो एयर लॉस में नहीं है. एयर विस्तारा एयर हो गया या एयर एशिया हो गया, ये सब लॉस में नहीं है. We have to understand why somebody is in loss and others are not in loss. कोई भी कंपनी लॉस में इसलिए चल रहा है क्योंकि शायद they are not, either they are not at the right place or they are not following principles of economy. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. So that is how it happened. Now question comes, why privatization? आपसे हमेशा एक सवाल पूछा जाएगा and this is a favorite question of UPSC interview. मैंने 2 बार UPSC का interview दिया है, civil services का, CSE exam का, और दोनों बार मेरे से प्राइवेटाइजेशन पे बहुत सारा डिबेट हुआ. यू नो दे आस्क मी अबाउट एयर इंडिया. आप आज हम लोग एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिए, बट दे आस्क मी दिस क्वेश्चन 7 years ago. दे आस्क मी 2015-16 मेरे से पूछा था इंटरव्यू में कि आपने एयर इंडिया को, डू यू फेवर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड यू नो फ्रॉम मी इन 2016 इंटरव्यू. 2011 में मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था दैट डू यू सपोर्ट प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, और आज हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं. गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड दिस फिलॉसफी. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. आकाश कह रहे थे, कैन वी से इट्स अ मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट. आकाश बेटा, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं. इट्स जस्ट दैट अब जैसे आप कोई बिजनेस चला रहे हो, जो लॉस मेकिंग एंटिटी है उसको आपको बंद करना पड़ेगा. एंड अभी कोविड का फैक्टर भी था. अभी तो प्राइवेट एयरलाइंस भी बहुत सारे लॉसेस में है, तो कोविड वॉज ऑल्सो अ फैक्टर. They don't even provide food. Yes, बेटा सीधा सीधा एफिशिएंसी कहां से आएगा उस पर फोकस करना है हमें. ठीक है, चलो. सो प्राइवेट विल बी मोर एफिशियंट, प्रॉफिटेबल फोकस करेंगे. देल बी मोर मार्केट डिसिप्लिन. देल बी जीरो इंटरफेरेंस. ठीक है, बेटर सर्विसेज होगा और कस्टमर इज किंग, ये फिलॉसफी पे काम करना होगा. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड एंड प्राइवेटाइजेशन वॉज ब्रॉट इन.
ठीक है, एनी एवरीबडी इज क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? आई होप दिस क्लियर टू एवरीबडी। अभी जो अगला दो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वॉन्ट यू टू रीड द टेबल, इस टेबल को पढ़िए। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या था? फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, क्लियर राइट? इस टेबल को देखिए बेटा एंड रीड द टेबल। हमने जो रिफॉर्म्स किया था उसके दो फेजेस हैं। द रिफॉर्म फ्रॉम 1991 टिल 2000, इसको हम फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, दीज आर फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर 1991। नाउ व्हाट वर दीज रिफॉर्म्स, यू रीड देम। आप देखिए, पहला था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपने ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दिया। पहले इंपोर्ट ड्यूटीज 300% था, अभी हम 10% पे लेके आ गए। सो यू आर रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी। अभी हमारा चाइना से इंपोर्ट होता है, इतना इजीली इंपोर्ट होता है, क्यों होता है? बिकॉज चाइनीज आइटम्स आर चीपर एंड दे आर इन डिमांड। द टॉयज आर कमिंग फ्रॉम चाइना, द मोबाइल इज कमिंग फ्रॉम चाइना, द लैपटॉप इज कमिंग फ्रॉम चाइना, इवन कार्स एंड यू नो मटेरियल पार्ट भी चाइना से आ रहा है। अभी कल मेरे कार में एक सामान खराब हो गया था, एंड आई टुक द जेन्युइन पार्ट फ्रॉम द कंपनी, और वो हुंडई का कंपनी था, मतलब हुंडई की कार है, और उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? हुंडई इज मेकिंग इट्स प्रोडक्ट, इट्स यू नो स्पेयर पार्ट्स इन चाइना। तो आप इजिली आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया था। एवरीथिंग प्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेज, यानी मार्केट फोर्सेज डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन कैसे चलेगा। ठीक है ना? ओके, आदर्श पूछ रहे हैं सर कौन सी कार है? इट्स i20 बेटा, i20। ओके, सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। सो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मेनली वर अबाउट रिफॉर्मिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और साथ साथ एक और काम करेंगे, हम ड्यूटीज को हटा देंगे। वी विल फॉलो ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी। देन सेकेंड वॉज फाइनेंशियल रिफॉर्म। पहले क्या था, आरबीआई का रोल बहुत लिमिटेड था, बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का रोल लिमिटेड था। अभी आरबीआई का रोल अलग हो गया है, आरबीआई इज फैसिलिटेटर। अभी बैंकिंग रिफॉर्म किया, नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2, ओपनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट ओपन हुआ। पहले हमारा सिर्फ बीएससी था, 1992 में एनएससी भी आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, ओनली बीएससी था, ये पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। देन एनएससी वॉज ब्रॉट इन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ताकि दोनों को कॉम्पिटिशन हो पाए। एंड वी हैव अनदर प्लेयर, जहां से अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे मार्केट का ग्रोथ हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको लिए हमने ओपन किया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट सिचुएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और देखो, एफडीआई एफआईआई की अच्छी बात क्या कि पैसा इंडिया में आ रहा है। नॉर्मली अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको लोन लेना पड़ेगा, बट दिस इन्वेस्टमेंट इज कमिंग एंड दिस इज नॉट लोन, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। कोई भी कंपनी या फॉरेन एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया में बेस बनाएंगे, इंडिया का मार्केट को कैपिटलाइज करेंगे, यूज करेंगे, एंड वी माइट ऑल्सो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे फॉरेन कंपनीज है इंडिया को, उन्होंने एक्सपोर्ट बेस बना रखा है। दे विल एक्सपोर्ट, दे विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड दे विल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सो दैट इज गुड फॉर इंडिया। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो गया। दूसरा टैक्स रिफॉर्म। इंडिया में जो टैक्स 90s का, 80s और 90s का, 70s 80s का जो एरा था, 1970s 1980s, हमारा टैक्स रेट बहुत ज्यादा था, एबनॉर्मली हाई था। सो टैक्स रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। टैक्स रिफॉर्म्स में हमने क्या किया कि हमने टैक्सेस को बहुत कम कर दिया, टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड, एंड टुडे वी कैन सी दैट इट हैज ब्रॉट लॉट ऑफ यू नो बेनिफिट्स टू द इकॉनमी। टैक्स बेस बढ़ गया है, इनकम्स हैव इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव हो गया है। ठीक है ना? सो टैक्स रिफॉर्म्स में हमने स्टार्टिंग में 1996 में बहुत तेजी से रिफॉर्म किया था, जिसमें हमने बहुत तेजी से 40% से 30% टैक्स कर दिया था। अगेन दिस वॉज फर्दर रिड्यूस्ड टू अराउंड 25% इन 2019। कोविड से जस्ट 6 months पहले हमने टैक्सेस फिर से कम किए थे। तो दीज टैक्स रिफॉर्म्स आर गुड फॉर द इकॉनमी बिकॉज व्हेन पीपल पे हाई टैक्सेस दे डोंट शो टैक्सेस। अब जब टैक्स रेट कम करोगे, पीपल विल बी मोर टैक्स कंप्लायंट। टैक्स रेट कम होगा तो लोग ज्यादा टैक्स पे करेंगे। सो दैट इज वॉट टैक्स रिफॉर्म्स हैपेंड एंड दिस वॉज प्रो बिजनेस। एंड इवेंचुअली द फॉरन ट्रेड रिफॉर्म, जहां पे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किया, एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर
वर्सेस रुपी, अभी ये मार्केट ड्रिवन होगा, ठीक है। नो मोर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ओपन कर दिया और कहा कि कॉम्पीट आपको सबसे करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉम्पीट विद इंडियन प्लेयर्स, यू हैव टू कॉम्पीट विद फॉरेन प्लेयर्स, एवरीबॉडी। सो दीज रिफॉर्म्स हैपेंड एंड दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट रिफॉर्म, यानी इन रिफॉर्म्स को हम लोग प्रोडक्ट मार्केट रिफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है लोग आप लोगों को। बट सर, उमर कह रहे हैं सर बट मार्केट कंट्रोल गोज इन फ्यू हैंड्स इन प्राइवेटाइजेशन। यस उमर, यू आर राइट। प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दैट देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और एक ये नेगेटिव फीचर है। बट रिमेंबर वन मोर थिंग, एक अच्छी बात क्या है, दैट वेल्थ क्रिएशन शुड हैपन। अगर कोई कंपनी ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी ऐसा करना चाहिए सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड हैपन, वेल्थ क्रिएशन शुड नॉट बी बैड। और मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्स हियर। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द मार्केट, गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्सेस ऑन यू नो सच फर्म्स, और उस रेवेन्यू को हम डेवलपमेंट में यूज कर पाए, ठीक है ना। चलो गुड गुड। हेलो शिखा, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। उमर क्लियर हुआ बेटा आपका डाउट? चलो चलो, कैसे हैं वैभव, हाउ आर यू बेटा, हाउ इज प्रिपरेशन गोइंग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ऑल सेटल्ड नाउ, मोमेंटम हो गया, डेवलप हो गया है पढ़ाई का मोमेंटम, डेवलप हो गया, राइट। चलो गुड। तो ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म था, एंड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म हैपेंड इन 2000 ऑनवर्ड्स, और ये अभी भी चल रहा है। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स और मेर की रिफॉर्म्स फॉर फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ठीक है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, यहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो गुड वन गुड वन। हेलो ज्योति, गुड इवनिंग बेटा। ओके दीपावली, लॉन्ग वेकेशन, चलो गेट बैक टू द वर्क नाउ। मोनोपोली इज अ कंस्ट्रेंट बट प्राइवेटाइजेशन आल्सो लीड्स टू कंपटीशन, दिस बेनिफिट द कंज्यूमर। यस यस, कोई बात नहीं राजीव, आप इस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। अभी देखो, हमारा जो अभी का रिफॉर्म है उसको हम लोग सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म कहते हैं, एंड दीज सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। अभी देखो लेबर रिफॉर्म्स स्टिल इन पाइपलाइन, वी हैव फोर लेबर कोड, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, देयर आर फोर लेबर कोड, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेबर रिफॉर्म करना, ठीक है। सो फोर लेबर कोड, और ये क्या करेंगे, दे विल मर्ज अराउंड 44 लॉज इनटू फोर कोड। तो लेबर रिफॉर्म्स आज जो है, गवर्नमेंट एक मिडिल अप्रोच फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है कि हमको प्रो बिजनेस भी होना होगा और हमको लेबर को प्रोटेक्ट भी करना होगा, वी हैव टू फॉर्मलाइज द लेबर मार्केट। दूसरा एस्पेक्ट है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जीएसटी, एफडीआई एक्सपेंशन, बैंकरप्सी कोड, ये 2016 में आया, ये जीएसटी 2017 में आया। जीएसटी आपका 2008 से डिस्कशन में है, बट इवेंचुअली इट टुक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टू इंप्लीमेंट जीएसटी, और अभी भी जीएसटी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं बिकॉज जीएसटी इज स्टिल नॉट परफेक्ट, हमारा जीएसटी रिजीम परफेक्ट नहीं है। देन लैंड रिफॉर्म, वी नीड लैंड फॉर रोड, हाईवे, कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर, अभी हम लोग गवर्नमेंट लैंड लीजिंग अग्रीमेंट, लीजिंग लॉ लेके आया है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नो फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, कैसे लैंड अक्वायर हो फॉर डेवलपमेंट, एट द सेम टाइम वी हैव टू बैलेंस विद एनवायरमेंट एज वेल। तो लैंड रिफॉर्म शुड बी प्रो बिजनेस, प्रो इंडस्ट्री, बट इंडिया में लैंड इज अ वेरी स्केयर्स रिसोर्स, लैंड एक स्केयर्स रिसोर्स है, तो लैंड अब बहुत मुश्किल हो गया है, लैंड को मेंटेन करना, लैंड बहुत महंगा हो गया भारत में बिकॉज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन प्रेशर एज वेल। सो लैंड रिफॉर्म शुड ओपन द लैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, बट उसके लिए हमको बहुत सारा पैसा भी लगाना होगा, अभी भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं वेयर विच नीड्स टू बी रिजॉल्व। ओके, हेलो नजनीन, हाउ आर यू बेटा, सेम टू यू बेटा, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए, द नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज बेस्ड ऑन मेरिट, यानी हम सब्सिडीज को कम करेंगे, गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडीज बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। अभी हमको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर बिल हो गया, सब में हमें सब्सिडीज को हटाना होगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट देर इज ह्यूज अपोजिशन, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में अपोजिशन बहुत है, एंड वाई देर इज अपोजिशन, क्यों इतना हम अपोज कर रहे हैं, बिकॉज इट विल अफेक्ट वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म
कॉमन मैन को इंपैक्ट करता है एंड दैट इज वेयर पीपल आर नॉट रेडी। अभी आपको बिजली का बिल देना होगा टाइम से, आपको पानी का बिल देना होगा, आपको जो है टैक्सेस टाइम से देना होगा, आपको जीएसटी देना होगा। आप तो अभी तक टैक्स नहीं दे रहे थे, अब देना पड़ेगा। अभी तक आप सब्सिडी पे जी रहे थे, गवर्नमेंट कह रही है अब सब्सिडी हम नहीं दे पाएंगे। वी हैव टू चेंज ऑल दैट एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट दैट रिफॉर्म्स आर फॉलोड। गुड इवनिंग लवली, हाउ आर यू? नजरीन कह रहे हैं सर इफ इट हैज रेज्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। यस यस यू आर राइट बेटा, बिल्कुल सही है, यू आर राइट, यू आर राइट। तो दीज आर द रिफॉर्म्स। चलिए, तो ये आपके रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया इंडिया की इकॉनमी में। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। पीसी महलनोबिस इज ट्रूली रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, कंसीडर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। राजीव इसको देख लीजिएगा बेटा, मैं अभी पिछले लेक्चर का भी भेज दूंगा, आप शेयर आप पढ़ लेना इसको। कुछ समझ में आ रहा है? आई एबल टू गेट द यू नो आइडिया ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स? ओके, वैभव इज आंसर्ड। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर आंसरिंग गाइस। कम ऑन, व्हाट आर अदर्स? बाकी लोग कहां हैं? टेल मी द आंसर। ओके, उमर हैज आंसर्ड, ज्योति हैज आंसर्ड, तरुण हैज आंसर्ड, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो, तो पीसी ना महलनोबिस कौन है? प्रशांत चंद महलनोबिस इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ही वाज द ब्रेन बिहाइंड सेकंड फाइवर प्लान, ये सही है, वन इज करेक्ट। ही एस्टैब्लिश इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये कोलकाता में है, ठीक है, तो ये गलत है। संख्या इज अ जर्नल स्टार्ट बाय हिम, ये भी सही है। विच इज द रॉन्ग आंसर? यहां रॉन्ग आंसर पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, आंसर बी, यस। ओके, चलो, आदर्श का एक अच्छा क्वेश्चन है, सर देयर इज अ प्लानिंग प्रॉब्लम इन इंडिया वेयर एल्स इन चाइना 94% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन ईस्ट वेयर दे हैव प्लान्ड सिटी। आदर्श, इफ यू सी द पॉपुलेशन का जो इनहैबिटेंट होता है, जहां पे लोग रहते हैं, इट इज मेनली अक्रॉस यू नो फर्टाइल एरियाज, फर्टाइल लैंड या रिवर एरियाज में होता है। तो इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, एंड नॉर्थ इंडिया में इसलिए है बिकॉज यू हैव यू नो रिवर बेसिन्स, यू हैव फर्टाइल लैंड, विच इज बिकॉज प्राइमरली जो इकॉनमी होती है वो एग्रीकल्चर थी, ट्रेडिशनल इकॉनमी वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने बाद में शुरू किया था, और चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो भी उनका फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो सारा ईस्ट साइड में है। उनका सेंट्रल पार्ट ऑफ चाइना एंड द वेस्ट चाइना इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। इंडिया के पास चाइना से ज्यादा लैंड है विच इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट टू टाइम्स लैंड है, ठीक है ना? आई होप दैट इज क्लियर। तो हमको अच्छा प्लानिंग एक और चीज है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अभी आप किसी को कहो कि अपना ये गांव छोड़ के आप चलो दिल्ली में रहके रहो, कोई जाएगा क्या? आप एक फार्मर को बोलो कि ये फार्मिंग ये जमीन हमें दे दो और चलो आपको दिल्ली में आपको घर दे देता हूं, वहां वहां पे लेबर का काम करना और उसी घर में रहना, क्या ये हो पाएगा? यस नजरीन, यू आर राइट, फूड सिक्योरिटी इज मस्ट, ठीक है ना? वही वाली प्रॉब्लम है। देखो, हम लोग को इकोनॉमी के अंदर वी शुड फैसिलिटेट एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, लेट पीपल डिसाइड उनको क्या करना है। अभी माइग्रेशन क्यों दिल्ली में हो रहा है, माइग्रेशन क्यों एनसीआर में हो रहा है, माइग्रेशन क्यों मुंबई में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, या फिर माइग्रेशन क्यों आपका जो है चेन्नई में हो रहा है, सिकंदराबाद में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज हैव बीन क्रिएटेड। सो द यस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। हमको अभी लैक ऑफ हमको बैलेंस डेवलपमेंट करना है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। तो अगर आपको इंडिया को, अगर आपने यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड राजस्थान को डेवलप कर दिया, इंडिया का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, चाइना में कोई फ्रीडम नहीं है बेटा, आप यहां कुछ भी कह सकते हो, यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, यू कैन क्वेश्चन गवर्नमेंट, बट चाइना में यू कांट सी एनीथिंग। गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो फाइनल होता है, यू कांट इवन अपोज इट, फॉरगेट अबाउट सेइंग एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू,
A plan spells how the resources of nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objective. बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? नेक्स्ट वीक से हम लोग आंसर राइटिंग एवरी वीक वन सेशन आंसर राइटिंग पे होगा बेटा, ठीक है? चलो ओके. सो गोल ऑफ फाइव ईयर प्लान्स अ ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस इक्विटी. ये तो सही है, वन तो सही है, राइट? तो डी इज आउट. ओके, ईच प्लान अभी गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू दीज गोल. ये फोर गोल था, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस इक्विटी. तो क्या हर प्लान में हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था? नहीं, टू गलत हो जाएगा, टू इज आउट. भाई हमने फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर को ग्रोथ फोकस किया था, सेकंड प्लान में इंडस्ट्री को किया था, थर्ड प्लान ऑनवर्ड्स हमने बैलेंस करना स्टार्ट किया, कहीं पे हमने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया, कहीं एजुकेशन पे फोकस किया. सो सारे गोल्स को वी डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल द गोल इक्वली. ये टू इनकरेक्ट है आपका. वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है ना? यस, इज दैट क्लियर? Our plan documents specify five-year plan as well as perspective plan. Perspective, long-term approach. Perspective means 10 to 15 years. ठीक है ना? चलो, is that clear? ये clear हुआ सबको? चलो, good. India agreed to conditionalities of World Bank and IMF announced new economic policy. Consider the statement given under. And choose the correct statement. बताइए मुझे. चलिए, read the question properly and then answer it. Okay, Manisha has answered. Nazneen has answered. Okay. Sneha has answered. Sneha, आपका एक doubt भी था, right? पिछले class में. Sonali ने answer किया. एक बार doubt repeat करेंगे बेटा. Umar has answered. Okay, Lovely has answered. अभी देखते हैं. What about others? Read and answer properly. Okay, impact of inflation on creditors and debtors. ठीक है. पहले इसको answer कर लेते हैं, फिर इस सवाल को पूछते हैं. The thrust of policy was to protect and promote indigenous industries from competition. अरे भाई, protection नहीं था, हम तो open कर रहे थे. तो one तो incorrect है, one is out. यानी either A or B. Structural reforms were long-term measure. Long-term तो थे. Concerned with removal of weakness of balance of payment and contain inflation. ये short-term था बेटा. अभी हमारा जो these are stabilization measure. ये तो था stabilization measure था. ठीक है ना? आपको स्टेबलाइज करना था. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लॉन्ग टर्म था, बट लॉन्ग टर्म क्या था? इकोनॉमी को ओपन करना था. शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन मेजर वर टू एड्रेस इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ज्यादा था हमारा, इन्फ्लेशन वाज 10% 11%, एंड एड्रेस बीओपी डिफिकल्टीज, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज था. बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी मतलब हमारे पास डॉलर्स नहीं थे, हमारे रिजर्व में डॉलर्स नहीं थे. सो वी हैड एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ डॉलर रिजर्व. तो ये जो था वो स्टेबलाइजेशन मेजर था, ये शॉर्ट टर्म फोकस था. तो टू इनकरेक्ट होगा, आंसर होगा बी. क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इतना आसान नहीं था, इजी नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था. चलो, अभी हम लोग स्नेहा का क्वेश्चन ले लेते हैं.
अभी स्नेहा का सवाल क्या है, स्नेहा कहती है सर ये बात बताइए, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, बताइए मुझे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन क्रेडिटर्स। जब महंगाई बढ़ती है तो क्रेडिटर को फायदा होता है या डेटर को फायदा होता है, ठीक है, किसको नुकसान होता है किसको फायदा होता है, टेल मी। अभी पढ़ा है आपने, महंगाई जब बढ़ती है तो क्रेडिटर मतलब जो लोन देता है, क्रेडिटर जैसे आपका बैंक हो गया, बैंक इज अ क्रेडिटर, और आपने लोन लिया है बैंक से तो कोई कस्टमर आपका डेटर हो गया, ओके। उमर कह रहे हैं सर क्रेडिटर को फायदा होगा, डेटर को गेन होगा, क्रेडिटर को लॉस होगा, ओके। इन्फ्लेशन इरोड्स परचेसिंग पावर, ओके ओके। चलिए बताते हैं, अभी देखो आपने 1,00,000 बैंक से लोन लिया एट 10% फॉर 1 ईयर और इन्फ्लेशन था उस वक्त 3%। आफ्टर 1 ईयर आपने यू रिटर्न 1.1 लाख, आपने 1.1 लाख बैंक को रिटर्न कर दिया, ठीक है, आपने रिटर्न कर दिया। जब आपने 1.1 लाख रिटर्न किया तो आपने रिटर्न उतना ही किया जितना प्रॉमिस था, बट इन्फ्लेशन अभी 7% हो गया, तो आपका जो रियल इनकम होता है वो क्या होता है, इनकम माइनस इन्फ्लेशन परसेंट, यानी अभी इनकम कितना है बैंक का, 10% था पहले, 1 लाख पे 10% बैंक का इनकम था, उस वक्त इन्फ्लेशन 3% था, विच मीन्स अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता देन बैंक वुड हैव गेन्ड 10-3, 7%, बट अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 10-7 कितना हो गया, 3%, मीन्स बैंक को नुकसान हो रहा है, तो क्रेडिटर विल लूज मनी। अगर महंगाई बढ़ती है तो जो लोन देता है उसको नुकसान होता है और डेटर को गेन होता है, सो क्रेडिटर विल लूज। क्यों लूज करेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया है, अभी पैसा तो उतना ही मिल रहा है बट वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, और डेटर उतना ही पैसा दे रहा है, डेटर इज पेइंग द सेम अमाउंट बट वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन से कम हो गया है, सो जो इफेक्टिव बेनिफिट होगा वो डेटर को मिलेगा एंड क्रेडिटर लूज करेगा, और इसीलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बैंक क्या करता है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, बिकॉज बैंक डज नॉट वॉन्ट टू लूज मनी, इसीलिए हमारे इंटरेस्ट रेट बेटा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? नजदीन द टाइमिंग इज 5 PM मंडे टू फ्राइडे, गॉट इट राइट स्नेहा? ठीक है, अभी सभी लोग नोट डाउन करो, ये कुछ मेन से क्वेश्चन है, इसको इसके बारे में आई वॉन्ट टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कस द बैकग्राउंड अंडर विच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ब्रॉट इन इंडिया, क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी प्लीज नोट इट डाउन, ये मेरा आज का सेशन है टुडे एट 9:45 PM, ये ऐप डाउनलोड करो, आप सभी लोग डाउनलोड द ऐप एंड लेट्स अटेंड द सेशन। आज हम लोग MCQs करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे MCQs करेंगे एट 9:45 PM, ठीक है। 35 क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में एंड दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप ये फ्री लेक्चर्स हैं, इसको अटेंड करिए, अटेंड द फ्री लेक्चर्स, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, मुझे फॉलो करिए, एंड टुडे एट 9:45 PM आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे MCQ होगा एंड टुमारो MCQs आपका करंट वीकली करंट अफेयर पे MCQ होगा, वीकली करंट अफेयर नवंबर का आपका करंट अफेयर पे MCQs होगा, ठीक है, दिस इज टुमारो 9:45 PM, ये आज का है 11th नवंबर या कल का है 12th नवंबर, ओके, थैंक यू समीना। हाँ लवली बेटा, क्लास अब आज का क्लास खत्म हो गया, आपको कोई डाउट है पूछिए, एनी डाउट एनीबॉडी, क्लियर हो गया बेटा स्नेहा, गुड गुड, ठीक है ना, चलो, एनी डाउट एनीबॉडी, चलो अभी फटाक सब लोग लाइक करो वीडियो को, फटाक से लाइक करो, लाइक तक छोटा सा लाइक बनता है, एंड लेट्स मीट टुमारो एट 5 PM सेम टाइम, ठीक है, एंड दैट इज ऑल, सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू कैन, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप अप द गुड वर्क, लेट्स मीट टुडे एट 9:45 PM ऑन अनअकैडमी ऐप, मुझे सर्च करिएगा प्रमोद सिंह और हम अच्छा MCQ सॉल्व करते हैं, ऑल्सो यू कैन मीट मी फॉर योर पर्सनल डाउट्स, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और वहां से आप मेरे अपने पर्सनल डाउट मुझे रीच आउट